कलाकार मिथुन दास ने अपनी पत्नी दीपांति दास द्वारा गत दिनों उन पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खंडन किया है। मिथुन दास ने कहा कि उनकी पत्नी का और उनका मामला कोंडागांव कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पत्नी ने उन पर मारपीट करने का धमकी का आरोप लगाई है, जो पूरी तरह से निराधार है। उनकी पत्नी की उनसे चर्चा महिला थाना प्रभारी के समक्ष हुई थी। उनके साथ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने दीपांति दास से किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की थी। मिथुन दास ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। जी, मेरा नाम मिथुन दास है। मैं यहाँ भिलाई में रहता हूँ और मैं मुख्यतः मैं एक नृत्य कलाकार हूँ और गीत वितान कला केंद्र संस्था के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरी धर्मपत्नी जो दीपांति दास है, उसने जो भी स्टेटमेंट दिया है मीडिया में, तो वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि हमारा जो मामला है वो अभी कोंडागांव कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के अधीन मामला है। और उसने जो लिखा है कि हमने उसको धमकी दिया है मारपीट करने का, ये सब पूर्णतः पूरा गलत है, क्योंकि जिस दिन हम लोग वहाँ पे थाने में गए थे, उस दिन टीआई टिड़की मैडम के समक्ष ही हमारे सामने बातें हुई है। मेरे साथ जो भी लोग वहाँ पे उपस्थित थे, किसी ने उसको जान से मारने की धमकी नहीं दी। ये पूर्णतः गलत है ये बात। और उसने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि अभी भी मैडम पूरा केस का हियरिंग चल रहा है, अभी भी किसी चीज़ का डिसीशन नहीं हुआ है। क्योंकि आप एक कलाकार हैं और ऐसा आपको प्रतीत होता है, या आप ऐसा दावा भी कर रहे हैं, या आपको ऐसा कहना है कि क्योंकि कला जगत से आप हैं, कला जगत के कुछ लोगों द्वारा आपकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? मैडम, मैं एक कलाकार हूँ और मुझे लगभग भिलाई छत्तीसगढ़ के सभी लोग मेरे को जानते हैं, और इस न्यूज़ को जरिया बना के चारों तरफ प्रचार प्रसार किया गया है, और वही और सब जगह से लोग मेरे को ही पर्सनली फ़ोन करके बताए हैं कि मिथुन जी, आपके नाम से ऐसा न्यूज़ चल रहा है। और ये 8 मई को टैगोर म्यूजिकल मैराथन, बहुत एक भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम जयंत स्टेडियम परिसर में हुआ था। इस प्रोग्राम का प्लानर हिसाब से मैं था, मैंने इस प्रोग्राम की प्लानिंग की थी, और उसी दिन मैडम इस न्यूज़ को चलाया गया ताकि मुझे बदनाम किया जाए, और उस न्यूज़ की कॉपी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सब जगह भेजा गया। ये बहुत, इससे मुझे बहुत मानसिक आघात पहुँचा है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैडम, मैं ये चाह रहा था कि ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को जो भी टेलीकास्ट किया गया है, इस न्यूज़ का पूरा खंडन किया जाए, क्योंकि हमारा मामला अभी 30 मई 2022 को भी मैं वहाँ पे कोंडागांव कोर्ट में उपस्थित था। मजिस्ट्रेट के सामने भी हमारी हियरिंग हुई है, और मेरी पत्नी ने साफ साफ ये कहा है कि मैं इनके साथ रहना नहीं चाहती, तो इसलिए हमारा मामला अभी आगे भी चलेगा।